अगर आप भी अपने लेग्स ग्रो करना चाहते हो और आपने ये वीडियो खोला है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। और उसी बात पे अगर आपको ये वीडियो मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये इस सीरीज का हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है, लेग डे क्वाड एडिशन। और अगर आपने इस सीरीज के पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देखो, उसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट बातें की है जो आपकी फ्यूचर जिम जर्नी में आपको बहुत काम आ सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स को अलग अलग सेशंस में ट्रेन क्यों कर रहे हैं। मैंने पिछले लेग डे वीडियो में भी कहा था कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि अगर मैं हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन कर रहा हूं और उसे मैं उसे कंप्लीट एक्सटेंड तक पुश करके फेलियर तक लेके जा रहा हूं, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड जब उसी सेशन में अगर मैं क्वाड्स ट्रेन करने जाऊं तो मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मेरे पैर ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक गए तो अब मैं लेग एक्सटेंशन का एक एक्स्ट्रा सेट या लेग प्रेस नहीं लगा पाऊंगा। उसी रीजन की वजह से मैं क्वाड्स को इंडिविजुअली ट्रेन करता हूं। जिस दिन मैं क्वाड्स ट्रेन करता हूं मैं हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन नहीं करता हूं, और अब जिस दिन मैं हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करता हूं उस दिन मैं क्वाड्स ट्रेन नहीं करता हूं। दोनों सेशंस में हम अपने काफ्स ट्रेन कर रहे हैं और हमारी लेग डे क्वाड एडिशन की एक्सरसाइजेस इस तरह से, स्टार्टिंग विद फर्स्ट एक्सरसाइज डबल लेग एक्सटेंशन, उसके बाद लेग प्रेस, उसके बाद एक रेगुलर बारबेल स्क्वाट या तो फिर एक स्मिथ स्क्वाट, अगर आपके पास एक हैक स्क्वाट मशीन है तो फिर हैक स्क्वाट, और उसके बाद अगर आप में एनर्जी बची हो और अगर आप सोचते हो कि आप और फेलियर तक अपने क्वाड्स को पुश कर सकते हो तो सिंगल लेग एक्सटेंशन, और लास्ट में अडक्टर्स। हम हैमस्ट्रिंग्स के दिन अडक्टर्स ट्रेन कर रहे हैं, जो बाहर वाला मसल होता है हमारा, वो क्वाड एडिशन के दिन हमारे अडक्टर्स ट्रेन कर रहे हैं। अडक्टर्स मैं लास्ट में ट्रेन इसलिए करने लगा हूं क्योंकि अडक्टर्स मैं पिछले 2.5 years से नॉनस्टॉप रेगुलरली ट्रेन करता आया हूं। तो मैं मेरे जिम में जो मशीन है उसमें 75 kgs का स्टैक है, तो मैं फुल स्टैक पे एक अच्छे टेम्पो के साथ 15 से 20 reps लगाने लगा हूं। तो मुझे उसमें और डिफिकल्टी ऐड करनी थी, तो मैं अडक्टर स्टार्टिंग में करने की बजाय मैं लास्ट में ट्रेन करता हूं। अगर आप नए हो, आप शुरू ही कर रहे हो, तो आप लेग एक्सटेंशन और लेग प्रेस के सेट के बाद अपने अडक्टर्स ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त वो कंपैरेटिवली थोड़े फ्रेश होंगे क्योंकि आपका और एक सेट बचा होगा स्क्वाट्स का। और अगर उससे भी पहले ट्रेन करना चाहते हो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग कि आप सबसे पहले अपने अडक्टर्स ट्रेन करो, उसके बाद जंप टू लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, स्क्वाट्स, ताकत बची तो सिंगल लेग एक्सटेंशन, और कंपलसरी लास्ट में काफ्स। तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ, डबल लेग एक्सटेंशंस। अब मुझे पता है कि जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, बहुत हाई चांसेस है कि आप सब लोगों को एक लेग एक्सटेंशन मशीन यूज करना आता है और आप सब ने पास्ट में ये मशीन यूज किया है। तो अब इस मशीन पे बैठने का एक माइंडसेट होता है। अब सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स क्लियर कर दूंगा कि मैं किस तरह से इस मशीन को उसके मोस्ट ऑप्टिमल वे में यूज करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरी सीट एकदम पीछे ले जाता हूँ, मेरे नी के बीच में और सीट का जो वो कर्व होता है उसके बीच में बिल्कुल गैप नहीं होता, तो मेरे पैर जब नीचे आते तब कम्प्लीटली ऐसे चिपके हुए लगते हैं यहाँ से, और मेरा नी इतना आगे नहीं होता कि मैं आगे से कर्ल कर रहा हूँ, नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पे होता है, बिल्कुल गैप नहीं होता। मैं बहुत पीछे बैठा होता हूँ, बहुत स्लाइड होके बैठता हूँ, और मैं अपने आप को जो साइड में हैंडल्स होते हैं या सीट से नीचे पुल करके रखता हूँ। हमारा एम है कि हम हमारे क्वाड्स ट्रेन कर रहे हैं, तो जितना आप अपने आप को सीट से पकड़ के नीचे खींच के रखोगे, जितनी बार आप ऊपर एक्सटेंड कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट फील होगा। हमें हमारा बट लिफ्ट नहीं होने देना है, जैसा हम लेग प्रेस में कहते हैं कि नीचे आते टाइम हमें हवा में नहीं आना, पुश करते टाइम हमें हवा में नहीं हो जाना, इसलिए हम अपने आप को नीचे खींच के रखते हैं। उसी तरह से प्लीज़ ट्राई करो और ये आदत डालो कि आप अपने आप को लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करते टाइम अपनी सीट से नीचे खींच के रखो, चिपक के रहो पूरा का पूरा, जितनी बार आप ऊपर एक्सटेंड कर रहे हो चिपक के रहो, नीचे आओ तब भी चिपक के रहो, सीट से उठो मत, ऐसा सोचो कि यू आर अ पार्ट ऑफ द सीट और आपके सिर्फ कॉर्ड्स काम कर रहे हैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त। तो मेरा माइंडसेट हर बार लेग एक्सटेंशंस में जाते वक्त यही होता है कि मुझे पता है कि मेरी मौत आ जाने वाली है अब, मगर मैं फिर भी रुकने वाला हूँ नहीं, क्योंकि हमें कंप्लीट फेलियर तक जाना है और हमारा एम यही है कि हम हमारे क्वाड्स ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से हम हैमस्ट्रिंग डे पे एक सिंगल लेग हैम कर्ल लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे डबल लेग एक्सटेंशन। हर एक्सरसाइज का सेम फंडा मैं इस सीरीज के शुरुआत से बताते आ रहा हूँ। ब्रीद इन लेग एक्सटेंशन में ब्रीद इन, ब्रेस ऊपर लेके गए, टोज अप, ऊपर लेके जाओ, होल्ड करो वहाँ पे 1 से 2 सेकेंड, स्लोली नीचे आओ, सेम पैटर्न रिपीट, ऊपर स्लोली नीचे, ऊपर स्लोली वापस नीचे। ध्यान रखना है कि जब आप नीचे आ रहे हो वापस तो आपको ऑलमोस्ट बैक टू आपकी स्टार्टिंग पोजीशन आना है, आपको
इस तरह से वापस नीचे आना है कि आप एक हल्का सा टैप कर रहे हो जो वेट्स है, अगर नीचे कुछ स्टैक बचा या कुछ भी है तो आप एक हल्का टैप होना चाहिए। हमें बाउंस बैक नहीं करवाना है वेट को। बहुत लोग ये गलती करते हैं जब वो बहुत फास्ट रेप्स लगाने जाते हैं किसी भी मशीन में, वो बाउंस बैक करके वापस ऊपर जाते हैं, वो वेट का भी थोड़ा बहुत मोमेंटम यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होने देना है हमें। तो एक नीचे आ रहे हो तो वेट को इतना कंट्रोल करो कि पूरे जिम में सिर्फ एक अगर चिल्लर इतना सा गिर रहा हो ना फ्लोर पे, टिन टिन इतना आवाज आना चाहिए। दूसरा अगर नीचे कोई भी वेट या स्टैक एंड हो रहा है तो कहीं भी कुछ भी हो उससे ज्यादा आवाज नहीं आना चाहिए, उतना ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए आपका वेट्स पर। तो सेम मैनर गो ऑल आउट। इस मशीन में मैं रेस्ट पॉज टेक्निक बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, जैसे कि देर विल बी वेरी हाई चांसेस कि आप 6th या 8th रेप पे फेलियर पहुंच जाओगे, और उस वक्त जितना कंट्रोल हो सके करो, बैक टू स्टार्टिंग पोजिशन, रुको 5 सेकेंड, फिर से एक लंबी सांस लो और अपने आप को पुश करो 1 से 2 रेप के लिए और एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें अगला क्वाड डे हैमस्ट्रिंग डे परफॉर्म करने के बाद और उसके बाद फिर एक और क्वाड डे मिलेगा, तो बीच में बहुत ज्यादा गैप है, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का गैप है। तो उस माइंडसेट को दिमाग में रखते हुए हमें कंप्लीट फेलियर तक जाना है हमारी हर एक एक्सरसाइज में। ये परफॉर्म करने के बाद देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको इतना ज्यादा बर्न होगा कि आपको लगेगा कि मुझसे लेग प्रेस नहीं होगा, बट गिव योर सेल्फ अ लिटल ब्रेक, 5 मिनट लो, 6 मिनट लो, उसके बाद हम जाएंगे लेग प्रेस पे। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात, लेग एक्सटेंशन शुरू करने से पहले मैं लेग एक्सटेंशन मशीन पे मेरे टॉप वेट का एक 50% से वार्म अप सेट लेता हूँ जिसमें मैं 12 रेप्स अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद मैं एक 70 या 75% पे एक वार्म अप सेट लेता हूँ जिसमें मैं अराउंड 6 to 8 रेप्स लेता हूँ, उसके बाद मैं मेरे टॉप वेट पे आता हूँ। और लेग प्रेस करते वक्त भी मैं सिर्फ एक वार्म अप सेट लेता हूँ जो मेरे टॉप सेट का 50% होता है, जिसमें मैं 10 से 12 रेप्स अटेम्प्ट करता हूँ और उसके बाद मैं मेरे टॉप सेट वाले वेट पे आता हूँ लेग प्रेस। अब प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर आपके जिम में एक लेग प्रेस मशीन है तो वो मशीन एक गोल्डन मशीन है, उसका मिसयूज मत करो उस पे ईगो लिफ्ट करके या अपनी प्रॉपर रेंज पे ट्रेन ना करके। मेरे स्टार्टिंग के 1.5 ईयर जिम जर्नी में मैं जितनी बार लेग प्रेस करता था तो मैं 200-200 kg क्रॉस करता था, पर मुझे ये अंदर से रियलाइज नहीं होता था कि मैं मेरी डेप्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ या मैं मेरा फॉर्म थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से एक डर था कि और एक एम्बेरसमेंट जैसा था अंदर से कि अगर मैं इसमें कम वेट लगाऊंगा, जैसे कि मैं 200 किलो का अगर 100 किलो करके लेग प्रेस करूंगा तो लोग जिम में सोचेंगे क्या है ये, क्या फुद्दू है, इतना हल्का लेग प्रेस क्यों लगा रहा है। बट इन रियलिटी लेग प्रेस पे 100 kg से भी एक अच्छे फॉर्म और डेप्थ के साथ रेप्स लगाना बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, रादर देन कि तुम 400 किलो लगा के एक बहुत ही गंदा रेंज ऑफ मोशन ले रहे हो लेग प्रेस में। लेग प्रेस जैसी मशीन आपके लेग्स बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है इफ यूज्ड इन अ करेक्ट वे। अब करेक्ट वे यही होगा लेग प्रेस ट्रेन करने का कि सेम आपकी सीट की जो पीछे की पोजीशन होती है उसके सबसे नीचे वाले पॉइंट पे होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात ये, अनलेस कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, उसके बाद आपको शायद एक या दो नॉच उसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, बट सीट एकदम नीचे होनी चाहिए पीछे से, वो यहाँ पे रहेगी। उसके बाद आपके पैर की पोजीशन एकदम टॉप पे नहीं रखनी है, अगर आप एकदम टॉप पे अपने पैर रखोगे तो देर आर चांसेस कि आपके हैमस्ट्रिंग्स थोड़े ज़्यादा डोमिनेंट हो सकते हैं वो लेग प्रेस की मूवमेंट परफॉर्म करते वक्त। तो अपने पैर आप एक मिडल पोजीशन या तो फिर एकदम नीचे की पोजीशन में रखो। आपकी एंकल मोबिलिटी कैसी है यहाँ पर ये थोड़ा बहुत डिफाइन करेगा कि आपकी फुट पोजीशनिंग ऊपर है, बीच में है या थोड़ी नीचे है। अब मेरी मोबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है टचवुड, तो नोट आपको अपनी मोबिलिटी पे वर्क करना चाहिए। तो उसके बाद मैं अपने पैर एक थोड़ी क्लोज ग्रिप में इतनी सी डिस्टेंस पे कुछ इस एंगल पे रख सकता हूँ जहाँ पे मैं अच्छे से बहुत बढ़िया डेप्थ हिट कर पाता हूँ, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो कि मेरे नीज और मेरे क्वाड्स ऑलमोस्ट मेरे चेस्ट के पास है, इतनी डेप्थ मेरे हिसाब से एक परफेक्ट डेप्थ है लेग प्रेस पे ट्रेन करने के लिए। अब सबका बॉडी अलग अलग होता है, ये चीज दिमाग में रखते हुए आपको अपनी डेप्थ पता चल जाएगी, आपका बॉडी आपको एक आवाज देगा कि भाई मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं आ पाऊंगा अभी फिलहाल, यू विल हैव टू वर्क ऑन योर मोबिलिटी और दिस इज द लिमिट हमारे बॉडी के लिए, तो भाई ये बेस्ट है हमारे लिए। अब ये चीज सुन के आप लोग प्लीज हाफ रैपिंग मत लगाना, ट्राई करो, कम वेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टार्ट विथ लाइटर वेट्स और देखो आप कितना नीचे आ सकते हो
आपका पैर हमेशा जब आप नीचे आ रहे हो तो ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला पैड है उससे चिपका हुआ होना चाहिए। अगर आप नीचे आते आते आपका पैर धीरे धीरे यहाँ से उठ रहा है अपने हील से और पुश करते वक्त भी वापस उठ रहा है, तो समझ जाओ कि आपकी मोबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो गई है। जहाँ तक आपका पैर चिपका हुआ है पैड से, दैट इज़ द रेंज ऑफ योर मोबिलिटी। उससे ज़्यादा नीचे एक बार मत जाओ। धीरे धीरे आपकी आदत लगेगी, आपकी मोबिलिटी बढ़ती जाओगी, आप उस पर वर्क करोगे तब आप और डेप्थ हिट कर पाओगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद वही, जिस तरह से हम लेग एक्सटेंशन करते हैं उसी तरह से आपको अपने आप को नीचे खींच के रखना है। देर आर चांसेस कि अगर आपने अपने आप को नीचे खींच के नहीं रखा, आप अपने हाथ यहाँ पे रख के फिर पुश कर रहे हो, आपका बट लिफ्ट हो चुका है, तो उस तरह से रेगुलरली ट्रेन करने से इट माइट लीड अप टू लोअर बैक इंजरीज। किसी भी तरह से कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये सारे सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया लेग प्रेस अच्छी डेप्थ के साथ परफॉर्म करना है। दूसरी बात, हमने बहुत वीडियोस देखे होंगे और ये बहुत कॉमन बात है कि नीज कम्प्लीटली लॉकआउट मत करो हैवी वेट पे, तो ये चीज़ भी थोड़ी बहुत ध्यान रखनी चाहिए हमें। उसके बाद हमारे टोज और हमारे नीज हमेशा लाइन में होने चाहिए। अगर आपके टोज यहाँ है इस तरह से है साइड में और अगर आपकी नीज यहाँ पे फेस कर रही है तो वो प्रॉब्लम होगी। आपके टोज और आपकी नी एक लाइन में मूव होने चाहिए। अगर आपके टोज यहाँ है तो आपकी नी एग्जैक्टली उसके पीछे होनी चाहिए। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमें एक बहुत ही बढ़िया लेग प्रेस परफॉर्म करना है। उसमें भी सेम चीज़ कि 6 to 15 रेप्स या तो फिर फेलियर, और उसके बाद अगर आपने 15 रेप टच कर लिए, आपने फेलियर अचीव कर लिया 15 रेप्स वाला जो रेंज हमने सेट किया है, तो नेक्स्ट सेशन में आप 2.5 kg ऐड करो। 2.5 kg के इंक्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको शायद लाइट लगेगा, मगर मैं जितने सेशन मैंने अपना वेट इंक्रीज़ किया है 2.5 kg से, मैं अगर लास्ट सेशन में उससे 2.5 kg कम वेट मारा है मैंने, तो अगर मैंने उसमें 15 रेप मारे थे तो मैं मेरे प्रोग्रेसिव वेट में कभी कभी मैं 8 रेप लगा पाया हूँ, कभी कभी 11 रेप लगा पाया हूँ, और किसी किसी सेशन मैंने कंप्लीट फेलियर भी टच किया है, 15 रेप्स क्रॉस किए या 15 रेप्स हिट किए। तो वो चीज़ ऐसे ही करनी है, चाहे भले आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं 10-10 किलो और बढ़ा देता हूँ ना, क्या दिक्कत है, नहीं वो आपको पता नहीं चलेगा, मगर देर आर चांसेस कि आप उस वेट पे स्टक हो सकते हो। तो ऐसा मत करो, छोटे छोटे वेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंक्रीमेंट इन्हीं में करो जितना हो सके। मैं तो कहूँगा अगर आपके पास 1.25 की प्लेट्स है तो वो भी यूज़ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे जिम में 1.25 की प्लेट्स होती तो मैं गारंटी वही यूज़ करता अपने किसी भी वेट को इंक्रीज करने के लिए। तो लेग प्रेस परफॉर्म करने के बाद बहुत हाई चांसेस है कि आप स्क्वाट्स नहीं लगा पाओगे, क्योंकि जब मैंने पहली बार ऐसे किया था तो मेरी फट गई थी और मुझे स्क्वाट फॉर रेप्स लगाने थे। स्क्वाट के लिए मैंने अपने आप के लिए फेलियर रेंज सेट की है 6 to 12। अब मैं फिलहाल, जैसे कि मेरा स्क्वाट में पीआर 145 kg है, तो मैं ऑलरेडी इतना थक चुका हूँ, मेरे पैर इतने यूज हो चुके हैं अब, तो मैं करंटली स्क्वाट में सिर्फ 100 kg से 8 रेप्स पे आया हूँ, और जब तक मैं 12 रेप्स पे नहीं पहुँचूंगा तब तक मैं वहाँ पे 1.25 या 2.5 का इंक्रीमेंट नहीं करूँगा। वही, आपके पास हैक स्क्वाट है तो हैक स्क्वाट यूज़ करो। अगर आपकी स्क्वाट में स्टेबिलिटी या आपको उस वक्त इतना परफॉर्म करने के बाद थोड़ा स्टेबल फील नहीं हो रहा है, पैर बहुत शिवर हो रहे हैं, आपको लग रहा है आप नीचे नहीं जा पाओगे, तो स्मिथ मशीन यूज़ करो। कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, स्मिथ मशीन बहुत अच्छा टूल है अपने किसी भी मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए। और सेम फिलोसफी मैंने मेरे हैमस्ट्रिंग एडिशन वाले लेग डे में बात की थी उसके बारे में, कि स्क्वाट आपको कैसे लगाना है, कि आपके नीज और टोज लाइन में होने चाहिए, आप हाई बार स्क्वाट लगा रहे हो, लो बार स्क्वाट लगा रहे हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो भी जाके देखो, मैंने मेरे हर वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और उसके बाद हमारी सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज, मैं जो हर बार ऑलमोस्ट परफॉर्म करता ही आया हूँ, सिंगल लेग एक्सटेंशन इसीलिए क्योंकि मेरा कोई भी एक पैर ओवर पावर नहीं करना चाहिए या डोमिनेट नहीं करना चाहिए डबल लेग एक्सटेंशन वाली पोजिशन में। उसका भी माइंडसेट सेम उसी तरह होगा, उसको भी ट्रेन हम सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने डबल लेग एक्सटेंशन परफॉर्म किया। लास्ट में अडक्टर्स, जैसा मैंने शुरू में कहा कि मैं 2.5 ईयर से ट्रेन करता आ रहा हूँ, तो मेरे अडक्टर्स बहुत स्ट्रांग हो गए और उन्हें अब मैं लास्ट में ट्रेन करता हूँ। अडक्टर्स पे स्पेसिफिकली जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब मैंने नीचे एक वीडियो डाला था कि
इस मसल ग्रुप को ट्रेन करने की वजह से कि आपके पैर बहुत बड़े लग सकते हैं। मेरे जब मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ट्रेन योर लेग्स लाइक अ वुमन, कि लड़कियों को पता होता है कि उन्हें क्या ट्रेन करना है जिस वजह से उनके पैर बहुत ज्यादा यूज लगे, तो उसी माइंडसेट के साथ मुझे अब तक समझ नहीं आया कि लड़के इस तरह से लेग्स क्यों नहीं ट्रेन करते। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उनसे सीखना चाहिए, कुछ कुछ बातें उनसे पिक करनी चाहिए कि हमें हमारे लेग्स कैसे ट्रेन करने चाहिए। तो अडक्टर्स की वजह से आपका जो पैर का अंदर का लुक है, जो इनर था है यहाँ पे, ये आपके कॉर्ड्स है और यहाँ का जो पार्ट है वो ट्रेन होगा। उसकी वजह से जैसे जैसे वो ग्रो होता जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाएगा, आपके ओवरऑल लिफ्ट्स, कंपाउंड लिफ्ट्स, जैसे कि आपका लेग प्रेस हो गया, आपका स्क्वाट हो गया, आपका प्रोबेबली डेडलिफ्ट हो गया, उसमें थ्रू आउट वो बहुत हेल्प करता है। और अडक्टर्स जैसे जितने जितने बड़े होते जाएंगे वो आपके पूरे पैरों को सामने से बहुत बड़ा लुक देगा, एक वो पूरा ऐसे दिखेगा रादर देन एक स्ट्रेट क्वाड्स का पैरों आपके पास, उसकी जगह यहाँ से पूरा कर्व आएगा। अगर आप मेरा कोई भी फोटो देखोगे या थंबनेल देखोगे या इंस्टा पे जाके shlok.soni इंस्टा पे जाके मेरे लेग्स के फोटोज देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने अडक्टर्स प्रोमिनेंटली शुरू से ट्रेन किए हैं, उस वजह से मेरे पैर में ऊपर से कर्व पड़ रहा है अच्छा सा। तो मैं अर्ज करता हूँ प्लीज अपने अडक्टर्स और अबडक्टर्स ट्रेन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों को ट्रेन करना। और सेम माइंडसेट, बाहर से अंदर आ रहे हैं उस वजह से एक्सप्लोसिवली अंदर आओ, होल्ड स्लोली गो बैक, एक्सप्लोसिवली अंदर आओ, होल्ड स्लोली गो बैक। बहुत ही सेंसिटिव मसल ग्रुप है, यहाँ पे इंजरी हो गई तो आपको लंबे टाइम के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो बहुत स्मार्टली ट्रेन करो इसको। लाइटर वेट्स, कैजुअल रेप्स, अच्छे टेम्पो के साथ, अच्छे फॉर्म के साथ, और धीरे धीरे उसमें इंक्रीमेंट करते जाओ वेट का। और लास्ट में काव्स, काव्स की डिटेल्स मुझे आई डाउट देने की जरूरत होगी क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में काव्स कैसे ट्रेन करने उसके बारे में बात की थी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमारे लेग डे हैमस्ट्रिंग एडिशन वीडियो पे जाओ, पार्ट वन लिखा हुआ है, उसके एंड एंड में मैंने काफ ट्रेनिंग की बातें की है और मैंने एक रील का भी लिंक लगाया हुआ है जिस रील में मैंने काफी डिटेल में बताया कि हाउ टू ट्रेन योर काव्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाके देखो, समझो, परफॉर्म करो। और वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर एवरी लेग डे, आफ्टर एवरी वर्कआउट, कोई भी मसल ग्रुप क्यों नहीं ट्रेन कर रहे हो आप, स्ट्रेच, प्लीज 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 स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो वो चीज आपको तुरंत उस वक्त पता नहीं चलेगी, पर एक लॉन्ग टर्म में इट विल लीड टू इंजरीज। अगर आपके मसल्स बहुत टाइट हो जाएंगे, जॉइंट्स बहुत, जॉइंट के एरिया से टेंडन्स हो गया, कुछ भी हो गया, जितनी ज्यादा आपकी बॉडी में टाइटनेस होगी उतने ही हाई चांसेस है कि आपको इंजरीज हो सकती है। इसलिए प्लीज प्लीज, मैं सही में, मैं अगर कुछ भी कर सकता तुम सब लोगों को बताने के लिए कि स्ट्रेचिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोबिलिटी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनके रिजल्ट्स अनबिलीवेबल हैं। आपकी बहुत रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी, आप इंजरी फ्री फील करने लगोगे, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ओके मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, देर इज़ मोर रूम टू ग्रो। आप कोई भी एथलीट ले लो, कोई भी अच्छा बॉडी बिल्डर ले लो, काई ग्रीन की अगर आप वीडियोस देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार शिट ही इज वेरी फ्लेक्सिबल। अब रोनी कोलमैन का पुराना वीडियो देखोगे, वो जब स्ट्रेच कर रहे हैं उनका सर अपने नीज पे टच हो रहा है। करो, कुछ सीखो, हमें सिर्फ इन सारे एथलीट से सिर्फ ये नहीं देखना कि इनका फिजिक कितना अच्छा है, ये कैसे ट्रेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं, उनकी पूरी लाइफस्टाइल देखो कि वो क्या बता रहे हैं। वॉच एंड लर्न और कुछ नहीं, वॉच एंड लर्न। इफ अगर वो लोग स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच करो, अगर वो लोग क्लीन ईटिंग कर रहे हैं तो क्लीन ईटिंग करो, अगर वो लोग स्मार्ट ईटिंग कर रहे हैं तो स्मार्ट ईटिंग भी करो, क्यों नहीं, कौन रोक रहा है तुम्हें। अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी से इन्फ्लुएंस हो ही रहे हैं, तो उसकी हर बातें देखो, उसकी सारी अच्छी बातें देखो और वो सारी पिक करके अपनी लाइफ में ऐड करने का ट्राई करो। रोनाल्डो ले लो, कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर ले लो यार, जिसका तुम्हें फिजिक लगता हो क्या, अरे वाह भाई क्या फिजिक है इसका, वो ट्रेन तो कर रहे हैं जिम में, साथ ही साथ ओवरऑल अपनी हेल्थ का भी और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का, अपनी मोबिलिटी का हर तरीके से ध्यान रख रहे हैं। और भाई लेग्स इस तरह से ट्रेन करो कि आपके पूरे पैर फ्राइड फील होने चाहिए, आप आने वाले 2 दिनों तक ढंग से उठ ना सको, बैठ ना सको, ऐसा फील होना चाहिए। और अगर जिम में तुम्हें हर अपना एक वर्किंग सेट खत्म करने के बाद तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए तो भाई मैं मर गया यार, अब नहीं होगा भाई, ओ भाई बस माफ़ कर दो यार, मुझे घर जाने दो, ऐसा फील होना चाहिए। ये एक पूरी वॉरियर मेंटालिटी लेके जिम में जाओ, अपना हर सेशन अपने कंप्लीट फेलियर तक ट्रेन करो, स्मार्टली ट्रेन करो
और देखो कि तुम किस तरह से ग्रो करते जाओगे धीरे धीरे. इट इज ऑलवेज अबाउट दैट 0.01% एक्स्ट्रा एफर्ट एवरी डे यू पुट इन योर लाइफ, चाहे तुम कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो. आई रियली होप इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया हो, और मैं काइंड ऑफ एक्साइटेड हूँ कि मैं वापस व्लॉगिंग करने वाला हूँ थोड़े टाइम के लिए अब. और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, या तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछो. मैं जैसे ही DMs लिखता हूँ मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ. इट इज़ shlok.soni. और यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया हो अब तक तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना. इससे वीडियो और लोगों तक पहुँचेगा और उनकी मदद करेगा. I'll see you soon.